सीमा के लिए मैंने मौन व्रत रखा था ताकि उसका अच्छा सा कोई रिश्ता आ जाए। तुझे माफ किया पर बुरा नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। थैंक यू बुआ जी, सॉरी आई मीन माफ कर दीजिए मुझे बुआ जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर हूँ। मामा के कानों में भी तो बात डालनी पड़ेगी ना सीमा और भैया के रिश्ते की। मैं जाती हूँ। बुआ जी आप ये क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर रही। तो कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ आपसे, मेरा दिल एकदम साफ है। माँ का रिश्ता मेरी वजह से टूटा है जी। मैं सीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लिख रहा हूँ। सीमा के लिए मैंने मौन व्रत रखा था ताकि उसका अच्छा सा कोई रिश्ता आ जाए और तूने मेरा व्रत तोड़वा दिया। अच्छा मेरे वजह से आपने सीमा के लिए व्रत रखा था तो बुआ जी आपका मौन व्रत कैसे टूटा? आपने बात तभी की ना जब सीमा के लिए रिश्ता आया है ना। पर तेरे घर वाले मानेंगे क्या? हाँ बुआ जी क्यों नहीं मानेंगे, वैसे भी कुछ भी पहले जैसा तो रहा नहीं, बाबूजी ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। सॉरी बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब था कि बाबूजी ने भी मुझे अपना लिया है और उनके पापा की दोस्ती भी हो गई है। अच्छा कर रहे हैं, उनकी शादी भी करवानी है तो फिर आप ये भी तो सोचे कि सीमा कितने आराम से रहेगी वहाँ, हर चीज में मम्मा और चाची उसकी हेल्प कर देंगे। बात तो तू बिल्कुल पते की कह रही है पर सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है, मम्मा जैसी लड़की ढूंढ रही है ना भैया के लिए, सीमा बिल्कुल वैसी ही है। अच्छी हाइट है, घर के सारे काम आते हैं उसे, भैया उसमें एज डिफरेंस भी ठीक ठाक है, अच्छी बहू तो मिल ही नहीं सकती हमारे घर के लिए। चलो कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि बहू में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। हाँ 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 ठीक है ठीक है, जरा मुझे सोचने दे। अरे रिश्ते ऐसे धन से नहीं हो जाते, हर बात सोचनी समझनी पड़ती है। माफ किया पर पूरी तरह नहीं, अभी बातें बाद में होंगी। थैंक यू बुआ जी, मेरा मतलब है माफ कर दीजिए बुआ जी, मैं थोड़ी देर के लिए घर हुआ। क्यों भाई क्यों? आपके कानों में भी तो बात डालनी पड़ेगी ना सीमा और भैया के रिश्ते की। बुआ
बुआ जी काफी भड़की हुई है, क्या एक्चुअली जो है मैंने गलती से बुआ जी की साड़ी जला दी थी क्योंकि मैं थोड़ी कमजोर हूँ घर काम में, तो बुआ जी बहुत नाराज हो गई है और मेरी गलती की वजह से यू नो सीमा हैड टू गो थ्रू अ लॉट, तो इसीलिए बुआ जी जो है बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके, इसीलिए जो है सारा गुस्सा जो है मुझ पर निकाल रही है अब, तो मैं जो है थोड़ा गलती के लिए कॉम्पेंसेट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दंड भी बहुत कड़क मिला है और मुझे उससे फ्री होना है, तो मैं जल्दी जल्दी बुआ को वापस इम्प्रेस करके मेरी पनिशमेंट हटवाना चाहती हूँ। अच्छा अनमोल, घर में रिश्तों की बात चल रही है तो बताएंगे आप भी रिश्ता कोई बता रहे हो? जी एक्चुअली वो ही रिश्ते की ही बात थी, मेरी वजह से जो है गलती से सीमा के लिए जो एक रिश्ता आता है वो भी जो है नहीं हो पाता, इसीलिए बुआ जो है मुझ पर ज़्यादा भड़क जाती हैं, तो फिर मैं ट्राई कर रही हूँ कि सीमा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूँढूँ ताकि मेरी गलती का जो है कॉम्पेंसेशन मैं कर पाऊँ और बुआ जी नाराज़ ना हो। कौन है वो लड़का, क्या आपका भाई तो नहीं? जी एक्चुअली प्रताप भैया सिर्फ एक सजेशन है, आई डोंट नो आगे कुछ हो पाएगा या नहीं, मुझे फ़िलहाल बस यू नो इस क्या कहते हैं उसे पनिशमेंट से मुक्त होना है, तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि हाँ चलो भैया की भी शादी तो करवानी है, ट्राई करते हैं, अब होगी नहीं होगी तो नहीं पता। बुआ सर ने परमिशन लिया कि मैं मम्मी से जाके बात करती थी, क्या मम्मी मानेंगी? जी मम्मी मानेंगी या नहीं वो तो बताना मुश्किल है, तो मम्मा ही बता सकती हैं उनका क्या डिसीजन रहेगा, पर हाँ सीमा बहुत अच्छी लड़की है, आई डोंट थिंक मम्मा को मना करना चाहिए। अच्छा आगे क्या टेस्ट है वैसे? फिलहाल के लिए यही है कि सीमा जो है मेरी भाभी बनेगी कि नहीं पता नहीं है हमें भी। बनेगी कि नहीं बनेगी? वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि बनेगी भी नहीं बनेगी, तो मेरे लिए भी जो है वो अब फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ही है कहानी में।